पावर एक और स्टॉक है जहां पर 1% की मजबूती, जरा एक बार राय दें यहां पर टाटा पावर पर अविनाश जी, 220 के आसपास खरीदना बनता है? इनफैक्ट अनिल जी, मैं समझता हूँ कि देखिए टाटा पावर एक SIP स्टॉक है, अगर आपको लंबी अवधि के लिए कोई कंपनी निवेश करनी है तो टाटा पावर डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। डेफिनेटली यू नो वैल्यूएशन अभी सस्ते नहीं है, थोड़े से रन अप हो चुके हैं, लेकिन अगर नजरिया लंबा है और अगर जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि अगर यू नो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस अभी भी आएगी। इनफैक्ट आने वाले 2 साल में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आने वाले 1 या 1.5 साल में देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया से डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है और अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक। गावा सर, टाटा पावर अगर किसी ने 220 पे ले रखे हैं यश ने, तो उनको क्या करना चाहिए? 220 में रखा है कोई बात नहीं, होल्ड कर सकते हैं आप। 215-16 क्या ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है जो इसका स्ट्रक्चर है टाटा पावर का पॉजिटिव है लेकिन ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए थोड़ी करेक्शन आ सकती है, कंसोलिडेशन जोन पर है, तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे टाटा पावर। डेफिनेटली टाटा पावर में पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे हमें मोमेंटम्स रैली देखने मिली है ये पर्टिकुलर ईयर में ये स्टॉक में। अभी ये टेक्निकली बात करूँ तो एक पैटर्न में फिलहाल तो चल रहा है ये स्टॉक, ऊपर में मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है। मिनिमम फर्स्ट टारगेट विल बी 250, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो मेरा एक पेन एंड पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ये पर्टिकुलर।